हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गाइड चैनल में फिर एक बार आपको सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एसएससी जेई का साल चल रहा है। अभी तो चल रहा है 23rd of January 2018 का, और ये जो है ये 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ सेशन है, ठीक है, हिंदी का फिफ्थ सेशन है। अभी फिफ्थ सेशन खत्म होगा, सिक्स सेशन खत्म होगा और सेवन सेशन खत्म होगा। इसके बाद तीनों लैंग्वेज में एक ही साथ 8th सेशन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये सेशन जो 6, 1, 2, 3, 4 ये फिफ्थ सेशन है, ठीक है, फिफ्थ सेशन है। तो जैसा कि बाकी सब सेशन लैंग्वेज में आया है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी आएगा, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में, तीनों लैंग्वेज में तो आता है सेशन, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, देख लेते हैं हम, वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड MMF, मतलब कितना एम्पियर टन्स प्रोड्यूस हुआ है, कितना MMF प्रोड्यूस्ड हुआ है इन ए कॉयल, एक कॉयल में। इफ़ द कॉयल हैज़ 120 टर्न्स, मतलब अगर इसमें 120 टर्न्स होगा एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, तो इसमें 0.1 एम्पियर का करंट डाल दिया जाएगा, तो इसमें कितना MMF प्रोड्यूस होगा। तो ये बहुत सिंपल सा है। देखो, हम जो हर एक प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, हम प्रॉब्लम जितना भी करते आ चुके हैं, उतना भी क्या किए हमने, हमने कैलकुलेटर को छोड़ के किए हैं। क्यों? देखो, एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें तो कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, तो क्या कैसे करोगे ये सब प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल देख रहे हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे और प्ले लिस्ट भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी उसमें डाला हुआ है, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, MMF का मतलब क्या है, एम्पियर इंटू टर्न्स। तो एम्पियर का मतलब क्या है, कितना है, 0.1, और टर्न्स का मतलब कितना है, 120। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आता है, 12। बस देखो, ऑप्शन वन में आ गया 12, बस यही आंसर, कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने नाम रखा विदाउट एनी कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 927, देखो उसके बाद जो क्वेश्चन है 927, उसमें क्या लिखा है। देखो, प्रॉब्लम तो बड़ी, बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं तो कहूँगा बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, एंड इसके लिए कोई भी कैलकुलेटर का आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें लिए कोई कैलकुलेटर का आप ज़रूरी नहीं है। देखो, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना चाहिए इन एम्पियर टर्म्स, एम्पियर पर मीटर में कितना चाहिए ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, एक मटेरियल में, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना हुए ऑफ द मटेरियल इज 0.064 एम्पियर पर मीटर, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, 0.064 एम्पियर पर मीटर, एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज 0.52 × 10⁻⁴, ठीक है। तो इसमें हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एम्पियर पर मीटर, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय कितना है, ससेप्टिबिलिटी, डिवाइडेड बाय ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना है, 0.064, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है 0.064, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया जाए मटेरियल से तो कितना आएगा, 0.52 × 10⁻⁴ लिखा हुआ है, ठीक है, 10⁻⁴ हमें लिखना है, हो गया। तो इसको हम पूरा का पूरा हम कर सकते हैं क्या विदाउट एनी कैलकुलेटर, कैसे, देखो इसमें 3 पॉइंट है, 3 घर का पहले पॉइंट है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो मतलब कितना आया, 64, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आया, 520, तो 52 लिखा, तो यहाँ पर 0 आया एक्स्ट्रा, ठीक है, वो उस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, 10⁻³ आया, ठीक है। अभी ये 10⁻³ जो हो ये ऊपर चला जाएगा, तो 64 / 52 × 10⁻³, इसको कितना आएगा, 17³, तो 64 / 52 कितना होगा, 64 / 52 कितना होगा, ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो ये सभी तो 1.2 का आसपास ही होगा, 1.2 का आसपास होगा, तो कैसे कैलकुलेट करें आसानी से, तो इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, 2 से कट दो, 2 से कट दो 32,
और 2 से कट दोगा कितना होगा 26, 2 से कट दोगा तो कितना होगा 16, 2 से कट दोगे 13, तो इसमें आएगा 16,000 बटे 13, तो कितना आएगा देखो, ठीक है, कोई कैलकुलेटर नहीं, 13 1 13 30, तो 30 2 26, 40 3 40, तो 3 into 13 39, ठीक है, मतलब 3, उसके बाद कितना आया 1, नहीं जाता है तो 0, इसके बाद 10, फिर एक बार नहीं जाता है तो 0, उसके बाद 13 7, तो आंसर आता है 1230.07। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो मैंने कैसे किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना रहा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना रहा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसका यूनिट है देखो एम्पियर पर मीटर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उसका भी यूनिट है एम्पियर पर मीटर, तो उसको ससेप्टिबिलिटी से डिवाइड किया जाए तो क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को निकाल दिया, ठीक है। बस पूरा कैलकुलेशन अच्छी तरह से देखो, प्रैक्टिस करो, लेकिन कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं, घर पे भी नहीं, अगर घर पे अगर आप कैलकुलेटर घर पे इसको करते हो तो एग्ज़ाम हॉल में जाकर भी आपको ज़रूरी हो जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है, तो कैलकुलेटर का कोई इस्तेमाल नहीं, ठीक है। तो देख लिया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, तो इसमें EMF निकाला जाए इन वोल्ट, वोल्ट में आपको हमको निकालना है, इंड्यूस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जिसको इंड्यूस्ड होता है कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द रिम ऑफ द डिक्स, व्हेन द डिक्स ऑफ द रेडियस 10 सेंटीमीटर रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला एक्टिंग पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ द डिक्स। तो पहले तो हम लोग डिस्क को देख लेते हैं, एक तो ये रहा एक डिक्स, तो इसका पैरेलली क्या चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसका पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो इसका डिस्क का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, और पूरा डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। तो क्या बोला इन्होंने बोला है कि इसको निकालो, क्या निकालो इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या है BLV, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला कितना है BLV, अभी B का वैल्यू कितना है, बी का मतलब क्या हो, पहले तो मतलब समझो क्या है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, तो बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी, एल का मतलब होता है लेंथ, और वी का मतलब है कि देखो यहाँ पर किया कितना दिया हुआ है 60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन वी का मतलब है लीनियर वेलोसिटी, वी का मतलब क्या है लीनियर वेलोसिटी, तो यहीं पर ही एक छोटा सा दिक्कत है, आप डायरेक्ट तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते 3 into 20 by 100, ठीक है, यहाँ पर इस डिजिटल पेन को फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों 20 divided by 100, ठीक है, क्योंकि देखो लेंथ कितना है, लेंथ तो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में हमको बदलना है, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है 60, ठीक है, 60 रेवोल्यूशन, लेकिन ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, इसको लीनियर में बदलना है तो 2π करना है, तो 60 divided by 2π कर दो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 18 divided by 3.14, ठीक है, तो अराउंड 3 into 6 18 होता है, तो 6 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 6 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब इसका क्या होगा ऑप्शन 4, कोई कैलकुलेटर के इस्तेमाल में नहीं कर रहा हो, ठीक है, जस्ट कंसेप्ट से कर रहा हो, ठीक है, अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, अपना कंसेप्ट ठीक कर लो, ठीक है, जो कंसेप्ट में आपका जो लैक है, ठीक है, वो ठीक कर लो, ठीक है। तो देख लिया जाए और दो क्वेश्चन क्या है, तो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको तो जल्दी से जल्दी जरूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि SSCJEE निकलने वाला है दिसंबर में, इसके बाद हम अगले महीने सेप्टेम्बर में भी और सारे वीडियो SSCJEE के लिए लेके आएंगे, ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल स्टडी गाइड को, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन ए 50 सेंटीमीटर लॉन्ग
एयर कोर सोलेनॉइड इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 5 mT एंड द सोलेनॉइड हैज 300 tons। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सोलेनॉइड है जिस जो सोलेनॉइड 50 cm लॉन्ग एयर कोर है और सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड में कितना है मैग्नेटिक फील्ड 5 mT है, ठीक है, तो 300 tons है। तो इसका क्या निकालने बोला, इसका निकालने बोला क्या, करंट आई निकालने बोला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हम देख लेते हैं एक बार। तो बी क्या है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, म्यू नॉट एन आई बाई एल। तो बी क्या है, बी है फ्लक्स डेंसिटी, म्यू नॉट क्या है परमियाबिलिटी, ठीक है, और एन आई, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई का मतलब करंट और एल का मतलब लेंथ, ठीक है। तो जो जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन पे वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो बी क्या लिखा हुआ है, 5 × 10⁻³, ठीक है, म्यू नॉट कितना लिखा हुआ है 4π × 10⁻⁷, ठीक है, एन आई, इनका मतलब कितना होता है, इनका मतलब होता है 300, ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आई अभी नहीं मालूम, लेंथ का मतलब क्या है 50 × 10⁻², ठीक है। तो हमने सभी को मीटर में बदल लिया, ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर से मीटर में बदल लिया, देखो ये 50 cm है, इसको मीटर में बदल लिया। तो इसको करने के लिए कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आसानी से हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेटर, ठीक है। तो 50 को 300 से मल्टीप्लाई करो तो 6, ठीक है, तो मतलब i का वैल्यू कितना आएगा, देखो 10⁻³, 10⁻⁷, ये दोनों कट जाता है और ये 10⁻⁴ हो जाता है, ठीक है, 10⁻², ऊपर जाता है तो ये भी कट जाता है और ये 10⁻² हो जाता है, होगा। तो ये रहा 5, तो i का वैल्यू कितना है, i का वैल्यू है देखो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5, इसको ये रहा 5 और तो कुछ नहीं है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना होगा देखो 6, ठीक है, 6 × 4, 5 × 6, 300, 6 को हमने डिवाइड किया क्या, 6 तो 6 ही था, 10² ये था 10⁻², कहीं गलतियां तो नहीं हो रहा है, 5 × 10⁻³। तो चलो देखो इसको और डिफरेंट तरीक़े से किया जाए, ठीक है, एक तरीक़े से तो प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत तरह से प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसको और तरह से सोल्यूशन किया जाए, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीके? इस फॉर्मूला को दोबारा से लिखते हैं, तो देख लिख लेते कैसे किया जाएगा, ठीक है, 5 × 10⁻³, तो इसका मतलब होता है 4π × 10⁻⁷, न्यूमरेटर में है 300i, इसके डिनोमिनेटर में है 10⁻²। तो देखो 10⁻³ जो है, 10⁻³, तो इसको कट दो 10⁻⁴, इस 10⁻², ऊपर चला गया तो कितना होगा 10⁻², और इस दोनों को जीरो को कट दो तो इतना क्या होगा, पूरा हट गया, ठीक है। अभी क्या रहा, अभी इक्वेशन में क्या रहा, 5, तो i का मतलब क्या हो गया, 5 × 50 डिवाइडेड बाई 4π × 3, ठीक है, 4π × 3, तो इसका मतलब रहा 12π। तो 5 × 50 कितना होता, 250 और डिवाइडेड बाई 12π, पाई का मतलब कितना होता है 3.14, पाई का मतलब है 3.14 × 12, तो कितना होता है 3.14 × 12 मतलब 36, ठीक है, 36 से कुछ ज़्यादा, मुझे मालूम तो नहीं 36 से कुछ ज़्यादा, अभी 36 मतलब 39 अराउंड 40 तक आएगा, ठीक है, तो 40 तक आएगा तो 250 कितना होता है अराउंड 66, ठीक है, 40 × 6 = 240, ठीक है, 40 × 6 = 240,
ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट में आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अराउंड 39, मैंने 50 सोच लिया, 40 सोच लिया, तो 250 को 40 से डिवाइड करो, 250 को 40 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, थोड़ा 6 से थोड़ा ज़्यादा, अभी वो भी 40 से थोड़ा कम है, मतलब 40 चार मतलब 6 से थोड़ा ज़्यादा, 40 × 6 = 240। ठीक है, इसको 36 मान नहीं मानकर तो ऐसे मानो 250/40। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 से ज़्यादा आएगा बस, तो 6 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन वन, थोड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो इस सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है डिटरमाइन द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल हैविंग एडी करंट कोएफिशिएंट ऑफ 2, थिकनेस ऑफ 4 मिलीमीटर, वॉल्यूम ऑफ 20 क्यूबिक मीटर, व्हिच इज सप्लाइड बाय अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़ व्हेन द मटेरियल हैज एडी करंट लॉस ऑफ 6 वाट। ठीक है, ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा टफ प्रॉब्लम है क्योंकि देखो प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्या है, एडी करंट लॉस इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू बीएम स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर इनटू एफ स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इनटू वॉल्यूम, बस हम कर देते हैं। एडी करंट लॉस कितना है, देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन पे। ठीक है, एडी करंट लॉस कितना है, ये दिया हुआ है, और ये है कितना, 50 हर्ट्ज एडी करंट लॉस ऑफ 6 वाट। ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, ये 6 वाट ही तो है, कोई एरर तो नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 6 वाट ही है। ठीक है, तो इसका मतलब 6, और कांस्टेंट कितना है, ये रहा 2, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ये हमें मालूम नहीं, तो ये रहा बी एम स्क्वायर। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब कितना है, टी का मतलब कितना होता है, टी का मतलब है थिकनेस, थिकनेस कितना है 4 मिलीमीटर, तो 4 × 10⁻³ उसका स्क्वायर, 10⁻³ इसका स्क्वायर, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी 50 × 50, और इसके बाद वॉल्यूम 20। ठीक है, तो 2 × Vm² × 4 × 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो इसको देखो हम विदाउट एनी कैलकुलेटर को सॉल्व कर सकते हैं। देखो 50 × 20 कितना होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना 50 × 20 1000 होता है, मतलब 10⁻³ जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल सा है, तो ये 2 से 6 का काट दो, 3 हो जाएगा। ठीक है, बस यही रहने दो। तो बी एम स्क्वायर कितना आएगा, बी एम स्क्वायर मतलब यहाँ पर था ऊपर में क्या आएगा, 3, और नीचे कितना आएगा, 4² × 10⁻³, एक ही आएगा, ये 2 था, एक तो कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये नहीं आएगा, और एक 50 आएगा, बस हो गया। ठीक है, 4² × 10⁻³ × 50, देखो 10 यहाँ से घट जाता है तो ये -2 हो जाता है, हो गया 5 × 6, 4² 4² का मतलब कितना है, 16, तो 3 / 4² मतलब 16, 16 × 5 कितना होता है, 80, 16 × 5 = 80, इसका 10⁻², तो -2 अगर ऊपर चला जाए तो कितना होगा, +2 मतलब 10² तो मतलब अल्टीमेटली ये आया 300/80। ठीक है, तो इसको घटा दो, तो 330/8, 30/8 कितना होता है, 3.75। ठीक है, 30/8 कितना होता है, 3.75। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन से था बी एम स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर अगर 3.75 है, ठीक है, तो यहाँ पर सोचने की बात है, तो 19 का स्क्वायर कितना है, ठीक है, तो ये 19 का स्क्वायर का आसपास ही होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर का आसपास होता तो कितना होता, 1.44। ठीक है, 19 का स्क्वायर का 3.61, तो इसका 3.6 का राउंड होगा, तो 3.75 मतलब 1.9 से थोड़ा ज़्यादा, तो 1.94, तो यही से ऐसे ही ऑप्शन आप देख लोगे कैसा कैसे क्लोज ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमें ये उम्मीद है कि ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो बहुत शेयर करना। ठीक है, तो शेयर करने से थोड़ा बहुत सारे जो SSC देने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के पास जल्दी से पहुँच जाएगा।
ठीक है। और जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, चैनल को शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।